दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी और जितेंद्र कुमार अग्रवाल आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और अभी बज चुके हैं 8:20 और हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। लगभग है 850 किलोमीटर, देखते हैं आज कहाँ तक कवर कर पाते हैं। 9 बज चुके हैं, हम लोग नाश्ता अभी कर लिए हैं और भाई लोगों से बात करते करते पता ही नहीं चला कि कैसे 1 घंटे बीत गए। भाई से मिलिए, भाई हैं टिंकू गुप्ता जी, आदित्य, और भाई को तो आप जानते ही होंगे, निखिल भाई के मीटअप में मिले थे निखिल भाई से और मेरे बारे में उनसे पूछे थे। तो बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोल आपके वीडियो का लिंक शेयर किए थे, तो मैं इनका वीडियो देखा था तभी से मैं इनको जानता हूँ। सर एक्चुअली सर का ऐसा काम ही है तो इसलिए हम लोग वीडियो के बारे में इनके बारे में। थैंक यू। बस अभी भाई लोग के साथ में बातचीत करेंगे और लगभग 10 मिनट में निकल। I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. No, I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. यामाहा के वर्कशॉप में जितेंद्र की बाइक को चेक करवा लेते हैं। इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, इसके अलावा चैन लूप करेंगे, चैन क्लीन करेंगे, उसके बाद आगे निकलते हैं। 10:15 हो चुके हैं और एक भाई है जो स्पेशल भूटान से इतनी बारिश में मिलने के लिए आए हुए हैं, तो ये है बॉबी। कहाँ से हो बॉबी आप? जयगांव से, कानपुर। और स्पेशल वैसे मिलने इतनी बारिश में मिलने का चाहत था सर। और भाई बोल रहे हैं कि भूटान कब आएंगे हम लोग? अगली बार जब भी आएंगे बढ़िया से प्लान करके आएंगे। और पूरा नेपाल भी करना है, सिक्किम अच्छे से करना है, नॉर्थ सिक्किम वगैरह नहीं जा पाए थे, और भूटान भी करना है। हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया है भूटान से, प्रेयर फ्लैग जितेंद्र की गाड़ी में लगा दिया है, अब मेरी गाड़ी में भी अपने ही हाथ से लगाया है। बारिश शुरू हो गई है, गोप्रो अंदर डालना पड़ेगा और रेनकोट पहनना पड़ेगा। अब बारिश तो आज छोड़ ही नहीं रहे, तो जूतों के अंदर पानी ना घुसे उसके लिए जुगाड़ लगाए हम लोग ये वाले भैया थे प्लास्टिक मांग के। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिलीगुड़ी से पूर्णिया के बीच का हाईवे है, 4 लेन है, लेकिन एक लेन पे तो पूरे गांव वालों ने कब्जा कर रखा है, वहाँ पर अपना खलिहान बना दिया है। और अगर आप लोग इस रूट में आते हो तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रैफिक का कोई रूल नहीं है, कोई कहीं से भी घुसा देगा, कहीं से भी टर्न कर देगा, तो बड़ा सावधानी से चलाइएगा अगर आप लोग इस रूट में आते हो तो। चलो राइट ना, तो अच्छा दे रहा है, लेकिन जीते में भी मेरे को खुद है कि एहसास नहीं होने दे रहा है कि तू मतलब कम सीसी कम पावरफुल गाड़ी में है बोल के। कोई तेजी गोली में नहीं चलाने वाले वो सब ये बोलते हैं। शाम के 5:17 हो रहे हैं, 5:17, और अभी हम लोग हैं भागलपुर में। बजे हुए हैं हम लोग, काफ़ी देर से नहा वहा के रेडी हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा सा पैदल घूमने रेलवे स्टेशन के आसपास में। इतना पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग खा रहे थे झालमुरी, बहुत तेज था, इसको तेज पसंद है ना मिर्ची। और भाई है हमारे अरहान, कैसे अरहान भाई? लगभग हम लोग 10-15 से बात कर रहे हैं अरहान भाई से, भागलपुर के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। तो और अभी बज चुके हैं लगभग, कितने बज गए हैं, बड़ा वाला घड़ी देखिए आज, 8:16 हो चुके हैं। तो अब चलते हैं रूम, चलते हैं खाना वाना खाते हैं, सोते हैं। हो गया चैन लूप, अब बढ़ते हैं आगे। बज चुके हैं सुबह के 8:36। अभी हम लोग गुजर रहे हैं दुमका से। दुमका कहाँ से जीते? दुमका 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 नेपाल
जीतेन, हाँ आज मैं ब्रेक लेने के लिए बहुत मना कर रहा हूँ, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप गुस्सा तो नहीं है मेरे ऊपर? नहीं, हल्का फुल्का गुस्सा हो, ज्यादा नहीं। क्या आज ज्यादा ब्रेक नहीं लेंगे मेरे भाई? ओके, कितना भी तो है यार, समझना पड़ता है, समझना बात को। दुश्मन को भी नैसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की इतना। एक ट्रक के पीछे हूँ ना मैं, देवघर तो ये बता रहा है, रांची 274 किलोमीटर। देवघर पहुंच गया क्या भाई? 6 किलोमीटर बचा हुआ है देवघर। हाँ लेकिन अब देवघर का बता तो रहा है यार, पावन नगरी देवघर, बाबा बैजनाथ की पावन नगरी देवघर, बाबा बैजनाथ धाम, ये बैजनाथ धाम है देवघर, बैजनाथ धाम। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे तरफ से। हाँ हमारे तरफ से क्या, हर तरफ से आते हैं। लीची यार, लीची देख के जीतन के मुंह में आ गया पानी, और ये अभी पछता रहा है कि मैं बाइक पे क्यों आया, कि आज मैं आता तो 10 किलो लेके जाता। बेहतरीन टेस्ट है, टेस्ट तो बेहतरीन है। यहाँ पर हम लोग देवघर में रुके हुए हैं, यहाँ पे नाश्ता करते हैं। तो दिखा रहा है ये वाला, हाँ ये लंबा पड़ेगा। हाँ हम लोग जाएंगे बाईपास रोड पकड़ के। हाँ आपको मैं वो रास्ता गिरिडीह तक मैं आपको छोड़ दूँगा, ठीक है? अच्छा, अभी ये सौरभ जी हम लोग को कुछ दूर तक छोड़ने जा रहे हैं, शायद गिरिडीह तक छोड़ने जाएंगे। पवित्र देवघर की गलियों से गुजर रहे हैं अभी, जस्ट साइड में अपने जो है बाबा धाम स्थान है यहाँ पे, लेफ्ट साइड। ये टोल प्लाजा है गिरिडीह से लगभग 12 किलोमीटर पहले। सौरभ जी हम लोग को यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे, और थैंक यू सौरभ जी इतना कंपनी देने के लिए, और इतना बढ़िया नाश्ता के लिए भी धन्यवाद, और मिठाई तो अभी बची हुई है, रस्ते में खाएंगे। टेक द नेक्स्ट राइट ऑनटू नेशनल हाईवे 114A। टर्न राइट। एक सेकंड। हाय संजीव कुमार सर। अच्छा और बताइए। अच्छा मैंने देखा आपका। अच्छा अच्छा, तो हम लोग को रांची कौन सा रास्ता निकालेगा? मैं चल रहा हूँ, ठीक है चलिए। अरे और क्या हाल चाल, ठीक है बाहर तक छोड़ दीजिए हम लोग को। ठीक है फिर ना, 12 बज रहे हैं अभी और बेहतरीन वेदर है, बादल छाया हुआ है, टेम्परेचर कम हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और सुंदर सुंदर वादियां हैं, लेकिन बस एक बात का डर है कि कहीं क्या ना हो जाए, पानी मत गिर जाए, पानी मत गिरे, बारिश ना हो, बारिश ना हो, बाकी सब जायज है। Slide right onto National Highway 320. बारिश चालू हो गई, लगेज वगैरह सब पैक किए हैं, अभी फिर से रेनकोट पहन रहे हैं और आगे निकलते हैं। बारिश हमारा स्पीड बहुत डाउन कर रहा है। रांची है यहाँ से लगभग 147 किलोमीटर। जैना मोड़ पहुंचने वाले हैं, फ्यूल ब्रेक लिया है मैंने, बारिश की वजह से हम लोग काफ़ी स्लो हो गए हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। रांची से 20-25 किलोमीटर पहले रांची पहुंच गए हम लोग, गुमला है 80 किलोमीटर, और दिन दिन में ही गुमला को पार करना है भाई, कर लेंगे। और हम लोग पहुंचने वाले हैं गुमला, अभी बज रहा है 6:20, और गुमला यहाँ से है 9 किलोमीटर, वो बोर्ड दिख रहा है मेरे को,
और जसपुर है यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर और हमारा घर है 145 किलोमीटर 145 किलोमीटर दूर। अभी हम लोग जसपुर पहुंचे ही थे कि जसपुर के इतने सारे यंग जनरेशन के हमारे भाई लोग, मतलब इनको पता नहीं कैसे पता चला आज कि रात का स्टे यहीं पे होटल निर्वाणा जसपुर में कर रहे हैं हम लोग। अच्छा रहा आज का राइड, काफी अच्छा रहा। लगभग 500 किलोमीटर हमने चलाया वो भी बारिश में, और यहाँ से हमारा घर है 80 किलोमीटर। लेकिन मेरे को लैपटॉप का चार्जर खरीदना है इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया, कल सुबह खरीदेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद जय भारत। राहुल के पापा अभी जब हम लोग ट्रिप में, तो कहाँ रुकना है कौन से रूट में जाना है सब पापा हम लोग को गाइड कर रहे थे, और बहुत आसानी से हो गया ट्रिप।